नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से प्लस टू की फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो अपने पढ़ रहे थे गाउस के नियम के, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो जो गाउस के नियम का अनुप्रयोग था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक अपने पढ़ रहे थे वो अपना फर्स्ट टॉपिक था अनंत लंबाई के समरूप आवेशित, समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता ठीक है। देखो ये जरूर याद रखना, समरूप आवेशित अपने आने वाले टॉपिक में चाहे सीधा लिखे पर आपको ध्यान रखना है। समरूप आवेशित तारे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी टॉपिक है सबको क्या किया गया है, समरूप एक समान रूप से आवेशित किया गया, यानी सबको समरूप आवेशित किया गया है। तो सबसे पहले अपने टॉपिक के अंदर बात कर रहे थे दिशा के बारे में कि इसकी दिशा जो है वो किस ओर आती है। लास्ट क्लास के अंदर अपने जो पढ़ा था उसके अंदर अपने इस प्रकार से एक अल्पांश इस साइड लिया था, दूसरा दूसरी साइड लिया था और केंद्र ओ था, और इसकी लंबाई के अनुदिश इस प्रकार से आपने क्या किया, यहाँ से लाइन खींच करके घटक बना दिए, इन्हें अल्फा मान करके और ये डी ई लेकर के। लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अपने दिशा के बारे में, तो सीधा बता रहा हूँ, एक तरफ कोस अल्फा आ रहा था और दूसरे का भी कोस अल्फा था, और लंबवत जो घटक थे वो साइन अल्फा के घटक थे, ठीक है। और यहाँ से आपने देखा था ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, और इनकी जो दिशा थी वो एक ही थी, तो आपको जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो रही थी, प्लस जरूर लगाना यहाँ, समरूप आवेश तभी होगा जब आप लोग यहाँ क्यों आवेश दोगे। तो यहाँ पर जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, जो तार की लंबाई है उसके लंबवत आपको क्या प्राप्त होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्राप्त होगी। तो इस टॉपिक को आपको डायग्राम बना करके अच्छे से समझा देना है, क्योंकि सिर्फ तीव्रता के अंदर आपसे दिशा भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं परिमाण की। इसी टॉपिक के अंदर अपने पढ़ेंगे परिमाण कि अगर अपने को परिमाण ज्ञात करना पड़ जाए तो परिमाण जो है वो किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले देखो परिमाण के लिए क्या किया जाता है, ये आपके पास में वो तार है जिस पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, लंबाई इसकी वही अनंत लंबाई का तार है और समरूप आवेशित किया गया, तो इसको एक समान रूप से प्लस आवेश अपने दे देते हैं, और यहाँ अपने क्या करते हैं एक बेलनाकार गौसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, यहाँ एक बेलनाकार गौसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये अपने क्या किया, यहाँ एक बेलनाकार गौसिय पृष्ठ की कल्पना कर ली है, और गौसिय पृष्ठ की लंबाई मान लेते हैं कितनी है, L, और ये जो त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या मान लेते हैं अपने कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी त्रिज्या जो है मान लेते हैं कितनी है, R है। यानी अपने क्या किया है, जो अपने पास में अनंत लंबाई का समरूप आवेशित तार है उसके चारों ओर अपने एक सममित गौसिय बेलनाकार गौसिय पृष्ठ की कल्पना की है। तो सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप लोग क्या करोगे, एक गौसिय पृष्ठ की कल्पना करोगे, क्योंकि आपको पता है कि गौस का नियम अपने कहाँ लगाते हैं, बंद पृष्ठ के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक उसी बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, यहाँ आपने स्मॉल आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के एक गौसिय पृष्ठ की कल्पना की है, ठीक है। अब देखो गौसिय पृष्ठ की कल्पना करने के बाद में अपने इसे तीन क्षेत्रफलों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं, जैसे ये क्षेत्रफल एस वन है, ये क्षेत्रफल एस टू है, ये अपना जो इसका वक्र पृष्ठ है ये क्षेत्रफल 3 है, यानी तीन प्रकार के क्षेत्रफल यहाँ पर है, एक तो S1 जो ऊपर की तरफ वृत्त बना हुआ है, और एक S2 जो नीचे की तरफ वृत्त बना हुआ है, और एक इसका हो जाता है वक्र पृष्ठ, यानी तीन यहाँ पर क्या है गौसिय पृष्ठ के पार्ट है। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे गौस के नियम से, सबसे पहला काम आपका क्या है, यहाँ लिखना कि गौस के
नियम से। ठीक है, थ्योरी के अंदर आप लोग वो सारी बातें लिख दोगे कि अपने पास में अनंत लंबाई का तार है, इसके लिए अपने स्मॉल आर त्रिज्या तथा कैपिटल एल लंबाई के एक गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गौसीय पृष्ठ को अपने तीन पार्टों से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। एक क्षेत्रफल S1 है जो ऊपर की ओर है, एक क्षेत्रफल S2 है जो इसके नीचे की ओर है, और तीसरा जो क्षेत्रफल है इसका वो कहाँ है, इसके वक्र पृष्ठ पर है। ठीक है, यानी इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो S3 है। फिर क्या लिख दोगे, गौस का नियम लिख दोगे, S E वेक्टर डॉट DA वेक्टर और किसके इक्वल, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, अब देखो आगे क्या करोगे, ये जो क्षेत्रफल है S, इसे कितने पार्टों में मान लेना अपने को, तीन पार्टों में, S1, S2 और S3, आपकी मर्जी है, इसे S1 मानो, इसे S2 मानो या इसे S3 मानो, कैसे भी मान सकते हो आप, पर एक बार मानने के बाद में उन्हीं को यहाँ पर रखना है। देखो, अपने इसे तीन प्रश्नों से मिलकर के बना हुआ मान लिया, ये जो गौसीय प्रश्न है ये तीन प्रकार के प्रश्नों से बना है। एक तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, कौन सा प्रश्न है, S1, प्लस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर और कौन सा प्रश्न है, S2, और एक E वेक्टर डॉट DA वेक्टर और कौन सा प्रश्न है, S3, और किसके इक्वल है, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के इक्वल है। अब देखो आगे, यहाँ अपने इसमें एक अल्पांश मान लेते हैं, इस प्रकार से जैसे अपने यहाँ लिखा है ना DA, DA और DA, इसके लिए अपने यहाँ मान लेते हैं एक DA क्षेत्रफल अल्पांश है। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा सभी को पता है कि क्षेत्रफल जो होता है उसकी दिशा हमेशा किस ओर होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता है कि अगर ये यहाँ प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे बाहर की ओर होती है, तो ये किसकी दिशा है, ई वेक्टर की दिशा है। कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। S2 में भी इसी प्रकार के एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसकी दिशा फिर से तल के लंबवत बाहर की ओर, बेलन से बाहर की ओर, तो ये क्या आएगा, DA वेक्टर आएगा। और इस साइड अगर देखोगे तो क्या आएगा, E वेक्टर कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहाँ देखो, यहाँ पर भी अपने कल्पना कर लेते हैं इसकी इस तरीके से, और ये क्या आएगा, ये DA वेक्टर आएगा और इसी ओर क्या आएगा, E वेक्टर आएगा। देखो, समरूप आवेशिता, जैसे ये तार है इसको एक समान रूप से आवेश दिया तो ये इसके पृष्ठ पर चारों ओर एक समान रूप से फैल जाएगा, तो इधर भी प्लस आएगा, इधर भी क्या आएगा, प्लस आवेश आएगा, और प्लस आवेश की वजह से दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर किस ओर होती है, जिस ओर आपका बिंदु रखा होता है, बिंदु आवेश रखा होता है, या परीक्षण आवेश रखा होता है, या जहाँ पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है उस ओर होती है। ठीक है, अब देखो अपने क्या करेंगे, अब अपने लाइन खींचकर अलग करता हूँ, वैसे इतना समझ में आया आपके। अब देखो अपने सबसे पहला जो काम रहेगा वो यहाँ ये जो कोण है इसके लिए बचेगा। देखो, अपने लिखेंगे S1 और इसे लिखा ई डी ए कोस थीटा, और इसे भी लिखा S2 ई डी ए कोस थीटा, और इसे भी लिखा ई डी ए कोस थीटा, और ये फिर से समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो है। यहाँ देखो थीटा का मान, S1 पृष्ठ के अंदर अगर आप लोग देखो तो E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है, इसके लिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपको पता है कि कोस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो S1 पृष्ठ के लिए जो आप लोग समाकलन कर रहे हो, जो फ्लक्स का मान लिख रहे हो, वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री है, यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। फिर आगे देखो, आगे अपने पृष्ठ कौन सा है, S2, ये पृष्ठ है अपने, यहाँ ये जो थीटा लिखा गया है, ये जो कोस थीटा लिखा गया है, इसके अंदर जो थीटा है, इस थीटा का मान कितना है, यहाँ देखो इस थीटा का मान 90 डिग्री है, तो कितना लिखोगे, 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये कोस 90 कितना हो गया, आपका जीरो हो गया। अब देखो लास्ट वाला, यहाँ कितना है, कोस थीटा, इसके अंदर भी थीटा का मान देखो, और देखो S3 जो आपका पृष्ठ है उसके अंदर थीटा कितना है, S3 पृष्ठ के अंदर थीटा का जब मान देखोगे तो आप लोग देखोगे कि E वेक्टर और DA वेक्टर की दिशा जो है वो क्या है, एक समान है, एक ही दिशा के अंदर है, यानी थीटा का मान कितना आएगा, जीरो डिग्री आएगा। तो यहाँ थीटा कितना आएगा, जीरो आएगा। कोस जीरो का मान कितना आएगा, कोस जीरो का मान यहाँ पर
एक आएगा। यानी जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों प्रश्न तो यहाँ से हट जाएंगे, आपके पास में सिर्फ ये जो प्रश्न है एस थ्री प्रश्न सिर्फ इतना बचेगा। तो सिर्फ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लोग लिखोगे एस थ्री ई डी ए, क्या बचेगा ई डी ए, और कोस जीरो का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो। यानी आप लोगों को बाद में क्या लिखना है, समीशन क्यू अपॉन एप्साइलन जीरो लिखना है। तो अब आपको किसका मान चाहिए, अब आपको मान चाहिए समीशन क्यू का, कि यानी जो अपने पास में गौसीय पृष्ठ है इसके अंदर कितना आवेश जो है वो परिबद्ध है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी लंबाई की बात करते हो तो लैम्डा इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। कितना होता है, लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जब क्यू का मान आप लोग देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा लैम्डा एल। कितना आएगा, लैम्डा एल आएगा, क्योंकि लंबाई के अनुदिश जब आप लोग देखते हो आवेश, तो आवेश घनत्व कौन सा लेते हैं, लैम्डा लेते हैं, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एल के इक्वल होता है। तो यहाँ क्यू समीशन क्यू के जब मान की बात आएगी तो वहाँ से मान कितना आएगा इसका, लैम्डा एल आएगा। कितना मान आएगा, लैम्डा एल आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग क्या कर दोगे, समीशन क्यू का मान रखोगे लैम्डा एल, और अपॉन में क्या आएगा, एप्साइलन जीरो आएगा। तो लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन जीरो। अब देखो आपको क्या करना है, अब आप लोग लिखोगे ई, और यानी ई को बाहर रख दिया, और ये आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन जीरो। ठीक है, इस जगह जाकर के आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है ई बाहर की, और एस थ्री डी ए, और लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन जीरो। अब आपको किसकी बात करनी है, अब आपको बात करनी है इस समाकलन की, यानी एस थ्री जो है उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। एस थ्री आपके पास में इसका वक्र पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, 2 पाई आर एल। क्या लिखोगे, 2 पाई आर एल। देखो सममित प्रकार की आकृति है, इसके लिए आप ये जो इसकी परिधि है इसे ज्ञात कर लो, और इस लंबाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या लिखोगे, 2 पाई आर एल, या फिर आपको इसके वक्र पृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए, और आप क्या लिख दोगे, 2 पाई आर इंटू एल, और किसकी इक्वल, लैम्डा एल अपॉन एप्साइलन जीरो के। तो लैम्डा एल से एल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल। ई किसके इक्वल, देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर, और एप्साइलन जीरो है तो एप्साइलन जीरो पहले लिख देता हूँ, आर को मैं बाद में लिख देता हूँ। एक तो आपके पास में ये फॉर्मूला बन गया, अगर इसे मैं ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 पाई से, तो देखो ये बनता है ई इक्वल 2 पाई लैम्डा, और नीचे क्या बना, नीचे बना आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, पाई से नहीं, क्योंकि अपने बना रहे हैं इसे 4 पाई एप्साइलन जीरो। तो ऊपर और नीचे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्साइलन जीरो आर। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बन गया ई इक्वल 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्साइलन जीरो आर, और ये जो टर्म होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन जीरो, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है के। तो ये जो मान है आपके पास में, ये मान क्या बनेगा, ये बनेगा ई इक्वल 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये क्या बन गया, ये बन गया ई इक्वल 2 के, ये देखो 2 और ये के लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो के ऊपर की ओर लिखेंगे, तो ई इक्वल 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये आपके पास में यहाँ क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हो ई जो है लैम्डा के क्या है, समानुपाती है, और आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया कि जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनको साथ के साथ याद करते रहना। तो ये जो फॉर्मूला है इसे आप लोग ज़रूर याद रख लेना, कि ई का जो सूत्र बनता है अनंत लंबाई के तार के अंदर वो कितना आता है, 2 के लैम्डा अपॉन आर आता है। और दिशा के बारे में भी मैंने आपको बताया कि दिशा जरूर याद रखना, दिशा इसकी जो दिशा है वो कहाँ है, जो तार है इसकी लंबाई के लंबवत है, तार की लंबाई के लंबवत क्या है, यहाँ पर इसकी दिशा है। ठीक है, तो दिशा तो अपने पहले ही निकाल लिए कि तार की लंबाई के लंबवत जो अपने इस प्रकार से जो निकाली थी वो क्या थी, इसकी दिशा थी, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, ई इक्वल 2 के लैम्डा अपॉन आर आ जाता है। ठीक है, कुछ एक बातें और देखो, इसे हटा देता हूँ। देखो रिपीट करने की जरूरत है नहीं, अगर समझ में नहीं आता है आपके ये तो आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। देखो
अपने क्या लिखा हुआ है उस साइड लिखा हुआ है E इक्वल 2k लैम्डा अपॉन r, E इक्वल 2k लैम्डा अपॉन r। अगर आपको बोला जाए E और r के मध्य ग्राफ खींचिए, तो यहाँ पर E और r में क्या रिलेशन है, E r की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। E r की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो ग्राफ आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का आएगा। E और r क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यानी E और R अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ किसका आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का आ जाएगा, E व्युत्क्रमानुपाती R। अगर एक बटा R के बीच में आप ग्राफ खींचते E और एक बटा R के, फिर व्युत्क्रमानुपाती का ना करके किसका आता, समानुपाती का आता। तो इस बात की ध्यान रखना कि आपने जो ग्राफ खींचा है वो किसके लिए खींचा है, यहाँ पर आपने ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती के लिए खींचा है। अगर आपको बोला जाए कि ई के और लेमडा के बीच में ग्राफ खींचिए, तो ई और लेमडा के बीच में जब ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है वो ग्राफ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स एक्स है उस पर लेमडा है, वाई एक्स पर क्या है, ई है। तो ई और लेमडा के बीच में समानुपाती का ग्राफ है और इनके मध्य व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है। ये थोड़ा जरूर ध्यान रख लेना कि लेमडा यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है, आवेश घनत्व है, क्यू अपॉन एल लिखेंगे, लंबाई जब बदलेंगे तो ई का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ई और लेमडा का ये ग्राफ आएगा और ई का और आर का ये ग्राफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। नया टॉपिक देखो, नया टॉपिक अपना आता है अपरिमित अचालक समरूप आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अपने पहले अचालक की बात करेंगे, फिर अपने चालक की बात करेंगे। तो अपने लिखेंगे दूसरा अनुप्रयोग है ये, अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये तो मैंने आपको बताई है, ये तो आप लोग सभी में लिखोगे, समरूप आवेशित, ठीक है। अगर समरूप आवेशित नहीं होगी तो लैम्डा सिग्मा रो वो टर्म ही नहीं होगी, तो फिर अपना ये टॉपिक ही नहीं होगा। तो ये तो आपको सभी में लिखना है। ध्यान जो रखना है वो क्या है, ये अचालक परत है और इसके बाद में जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे अपने चालक परत के बारे में। तो सबसे पहले फिर से आपको वही दो काम करने हैं, पहला काम दिशा ज्ञात करनी और दूसरा जो काम आएगा वो होगा यहाँ पर परिमाण ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। ये मान लिया कि आपके पास में वो परत है और इसके अंदर आपने क्या किया, एक अल्पांश मान लिया इस प्रकार से, लंबाई के अनुदिश आपने क्या कर लिया, एक अल्पांश मान लिया और समरूप आवेशित है तो इसको क्या किया गया, क्यू आवेश दिया गया, यानी एक समान रूप से कितना आवेश दिया गया, इसे क्यू आवेश दिया गया है और इसके ऊपर वही पॉइंट आ जाते हैं, ये ए ये बी ये ओ, ठीक है। परत का नाम लिखना चाहो तो लिख देना पी क्यू आर एस, ये नाम वगैरह जब लिखोगे, ये थ्योरी लिखते समय आपके काम में आएंगे। आप लोग थ्योरी लिखते समय लिख सकोगे कि हमारे पास में पी क्यू आर एस एक आयताकार अपरिमित अचालक प्लेट है या परत है जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले दिशा ज्ञात कर रहे हैं, तो अपने ए बी क्या किया है, ए से बी तक अपने एक तार के रूप में यहाँ पर लंबाई का एक अल्पांश लिया है और इसके बाद में आपने क्या किया, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया, ठीक है। और इस अल्पांश की वजह से जो इसके ऊपर जो अल्पांश लिया है इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो किस ओर आएगी, वो आएगी इससे बाहर की ओर। अगर इस साइड आप पॉइंट पी मानो
तो ए से पी की ओर क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी। यहाँ अगर आप लोग देखो कि इस अल्पांश की वजह से क्या आएगी, इसे मिला देना और इसकी वजह से भी आप दिशा जो है वो ज्ञात कर सकोगे। ये और ये भी क्या है, डी ई वेक्टर है। फिर से वो भी बताता हूँ कि अपने को दो अल्पांश लेने की जरूरत क्यों पड़ गई है। अपने को दो अल्पांश लेने की जरूरत इसलिए पड़ गई है कि जब अपने फर्स्ट अल्पांश यहाँ लिया है, जब अपने फर्स्ट अल्पांश यहाँ लिया है तो आपके पास में जो मान आया है वो क्या है, डी ई वैक्टर है। अगर ये यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, जैसे अल्फा या थीटा अगर यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये सामने का कोण जो है इसके ये कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। और जब आप इसे घटकों में विभाजित करोगे तो इसके दो घटक बनेंगे, एक घटक बनेगा कोस में डी ई कोस थीटा और एक घटक बनेगा इसमें साइन में डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर दो घटक बन जाते हैं, एक डी ई कोस थीटा और एक जो घटक है वो बनता है डी ई साइन थीटा। और जब आप लोग यहाँ देखोगे तो एक साइन में बन गया, एक कोस में बन गया, यानी परिणामी जो है एक के अकॉर्डिंग तो सीधे की ओर आ रहा है और एक की ओर नीचे की ओर परिणामी आ रहा है। पर अभी तक अपने ये डिसाइड नहीं हो रहा कि इन दोनों में से किसकी ओर अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, इसलिए अपने क्या किया, इससे बिल्कुल उतनी दूरी पर उतना ही कोण बनाते हुए उतनी लंबाई का अपने क्या कर लिया, एक अल्पांश और ले लिया बी, और कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। तो ये जो सामने का कोण बनेगा ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। और इसे भी जब आप घटकों में विभाजित करोगे तो एक घटक आएगा इसका डी ई कोस थीटा और एक घटक क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो दो घटक बनेंगे इसके, एक डी ई साइन थीटा और एक घटक बनेगा डी ई कोस थीटा। ठीक, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो घटक है, यानी जो कोस थीटा के घटक है वो क्या है, एक ही दिशा में, और जो साइन थीटा के घटक है वो किस दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर साइन थीटा के घटक विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, और कोस थीटा के घटक जो है वो एक ही दिशा में है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कोस थीटा के घटक आपस में जुड़ जाएंगे और साइन थीटा के जो घटक है वो आपस में एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। तो जो आपके पास में परत है, अचालक जो आपके पास में परत है, इसके लिए अगर आपको बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या आएगी, तो इसके लिए तीव्रता की दिशा आप लोग क्या बताओगे, इसके लिए तीव्रता की दिशा आप बताओगे कि ये जो परत है इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर किसकी दिशा आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी। ठीक है, ये अपने पास में परत है, इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, ये अगर इसका तल आप ये मानते हो तो इसके तल के लंबवत बाहर की ओर क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी। तो परिणामी जो आपको मान प्राप्त होगा वो कौन सी दिशा में प्राप्त होगा, ये ओ है और ये पी है, तो ओ पी दिशा में आपको क्या होगा, परिणामी मान प्राप्त होगा। अगर ये पॉइंट पी इसके दूसरी ओर लेते हैं आप लोग, अगर इसी प्रकार की परत को आप दूसरी ओर से लेते तो फिर आपका परिणामी क्या आ जाता, दूसरी ओर आ जाता, यानी आएगा किस ओर, धनावेश से हमेशा बाहर की ओर आता है, तो धनावेशित किया गया परत को इसकी वजह से बाहर की ओर आएगा, किस ओर आएगा, जिस ओर आपका पॉइंट रखा है। अगर पॉइंट इस ओर है तो इस ओर आ जाएगा, दूसरी ओर अगर आप पॉइंट रखोगे तो दूसरी ओर भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आती है अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखो, अब अपने आगे बात करनी पड़ेगी परिमाण की, कि इसका परिमाण जो है वो क्या आएगा। तो अब अपने बात कर लेते हैं परिमाण की, कि इस परत के कारण अपने परिमाण जो है वो कितना आएगा। तो सबसे पहला काम अपना फिर से वही है, उसी प्रकार की आप एक परत मानो, ये मान लिया वो परत है, ठीक है, ये अपनी वो परत है, नाम लिख दो इसका P, Q, R और S, और इसे क्या कर दो, एक समान रूप से आवेशित कर दो। यानी एक परत ली अपने P, Q, R, S और एक समान रूप से अपने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। अब अपने क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और गौसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये पृष्ठ है या परत है, इससे आधा तो ये पृष्ठ इस ओर है और आधा जो पृष्ठ है इससे दूसरी ओर है। यानी आप क्या करोगे, ए अनुप्रस्थ काट का, यहाँ लिख देता हूँ ए
अनुप्रस्थ काट तथा 2R लंबाई का, ए अनुप्रस्थ काट का और 2R लंबाई का क्या करोगे, एक गौसीय पृष्ठ की आप लोग कल्पना कर लोगे। तो 2R इसकी जो लंबाई होगी ये कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आधी लंबाई इस ओर है और आधी लंबाई इस ओर है। जैसे ये अगर अपने माने तो R इस ओर है, R इस ओर है, दोनों मिलाकर के कितनी हो जाती है, 2R हो जाती है। और ये जो इसके अनुप्रस्थ काट है ये प्रत्येक जगह क्या है, एक समान है, यानी अनुप्रस्थ काट A है और लंबाई कितनी है इसकी, 2R है। ये जो लंबाई आप लोग ले रहे हो ये कितनी है, R इस ओर है और R जो लंबाई है वो इसके दूसरी ओर है, ठीक है। तो अपने क्या किया है, एक गौसीय पृष्ठ की कल्पना की है। अब अपने फिर से क्या करेंगे, इसे तीन क्षेत्रफलों से मिलकर के बना हुआ मान लेंगे। मान लेते हैं ये S1 है, ये S2 है और ये क्या है, S3 है, ठीक है। ये S1, ये S2 और ये S3। आप क्या लिखोगे, आप लोग इसमें लिखोगे कि मान लिया ये जो गौसीय पृष्ठ है ये तीन प्रकार के क्षेत्रफलों से मिलकर के बना हुआ है, एक क्षेत्रफल S1 है, एक S2 है और एक जो क्षेत्रफल है वो क्या है, S3 है, ठीक है। कुछ एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम आपका वही रहेगा, आप लोग लिखोगे गौस के नियम से, गौस के नियम से, और गौस के नियम से लिखने के बाद में गौस का नियम लिख देना, ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। अब इस एस को अपने तीन भागों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, तो अपने लिख देंगे S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर और इक्वल समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अपने तीन प्रकार के क्षेत्रफलों से इसके इसे मिलकर के बना हुआ मान लेते हैं। अब देखो अपने सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल S1 की। ये क्या है, क्षेत्रफल S1 है। इसके लिए अगर आप लोग देखो इसके क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा डी ए वैक्टर की दिशा किस ओर होगी, पृष्ठ से वैसा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो इस तल के लंबवत बाहर की ओर। दूसरा ई वेक्टर की दिशा धनावेश से वैसा दूर की ओर होती है, किस ओर, जिस ओर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है तो इससे बाहर की ओर। इस जगह देखो इसकी दिशा डी ए वेक्टर इसके तल के लंबवत बाहर की ओर, और ई वेक्टर की दिशा इसके तल के लंबवत धनावेश से हमेशा दूर की ओर, ठीक है। ई वेक्टर की दिशा तो तल के लंबवत बाहर की ओर, और धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर होती है, धनावेश से हमेशा बाहर की ओर होती है। तो ये धनावेश है, इसकी वजह से ई वेक्टर की दिशा बाहर की ओर, यहाँ ई वेक्टर की दिशा इससे बाहर की ओर, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, इस क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर यहाँ मैं एक अल्पांश लूँ डी ए लंबाई का, तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल की, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई वेक्टर इस ओर है। देखो ये आपके पास में क्या है, गौसीय पृष्ठ है। तो आपने अगर इसके ऊपर कोई अल्पांश लिया है, जैसे ये मानो कि सामने की ओर ये अगर आपको दिख रहा है, ये मैंने क्या किया यहाँ पर एक अल्पांश लिया है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक अल्पांश ले लिया। अब इस अल्पांश की वजह से दिशा बाहर की ओर आएगी, ठीक है, और परत की वजह से जो तीव्रता की दिशा ई वेक्टर की वो तो इसकी जिस साइड सामने की नोक है उस ओर आएगी, तो ई वेक्टर की दिशा तो सामने की ओर है, और जो विद्युत ये आपका क्षेत्रफल है इसकी दिशा हमेशा लंबवत है, वो चाहे ऊपर की ओर हो चाहे इस ओर, हमेशा ये इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। यानी अगर इस प्रकार से इसे घुमाओगे तो ये हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये तो हमेशा इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये ई वेक्टर जो है इसके साथ में 0 डिग्री का, और ये ई वेक्टर जो है आपके साथ में 0 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अपने इस टॉपिक को आगे कल सॉल्व करेंगे, सारे मान वगैरह इसके अंदर रखेंगे और इसका जो आंसर है वहाँ तक अपने पहुँचेंगे। थोड़ा टाइम बचाए उसके अंदर ये भी देखो, आप अगर समीशन क्यू का आपको मान चाहिए तो वो आप कहाँ से ज्ञात करोगे, आपके पास में ये क्या है, एक पृष्ठ है, यानी पहले आपके पास में लंबाई थी, अब आपके पास में एक क्षेत्रफल है, अब आपके पास में क्या है, एक क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के लिए जो आप लोग आवेश घनत्व लेते हो वो कौन सा लेते हो, वो
सिग्मा लेते हो, पृष्ठ आवेश घनत्व लेते हो, और सिग्मा इक्वल क्या लिखते हो, क्यू अपॉन ए लिखते हो। यानी सिग्मा किसके इक्वल है,